चेन ड्राइव्स, इसमें हम पढ़ने वाले हैं चेन ड्राइव्स के एमसीक्यू पढ़ेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अ चेन ड्राइव्स इज यूज्ड फॉर, चेन ड्राइव का यूज किस में होता है। इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस इज नो क्राइटेरियन फॉर चेन डिवाइस, कोई चेन ड्राइव में कोई भी डिस्टेंस क्राइटेरिया नहीं होता है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, अ चेन ड्राइव इज यूज्ड फॉर, इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस इज नो क्राइटेरियन फॉर चेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द चेन इन टर्म्स ऑफ पिचेस इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, इसमें आपको अलग अलग चेन के टर्म दिए हुए हैं। जैसे कि जेड वन और जेड टू इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन स्मॉल एंड बिगेस्ट पॉकेट, ए है सेंटर डिस्टेंस में, टी है चेन पिच। जेड वन और जेड टू जो दिया है वो दिया है नंबर ऑफ टीथ स्मॉल एंड बिगेस्ट पॉकेट, इस पॉकेट का छोटा और बड़ा जो पार्ट होता है उसका नंबर ऑफ टीथ है जेड वन जेड टू, और ए है सेंटर डिस्टेंस, टी है चेन का पिच। इसमें से आपको ये सब चेन के टर्म दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है लेंथ ऑफ चेन निकालने का फार्मूला क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ चेन निकालने का फार्मूला होता है टू ए अपॉन पी प्लस जेड वन प्लस जेड टू का अपॉन टू प्लस जेड टू माइनस जेड वन अपॉन टू पाई का होल स्क्वायर इंटू पी अपॉन ए। ये जो फार्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला है, ये है लेंथ ऑफ चेन ड्राइव। अगर आपको लेंथ ऑफ चेन ड्राइव निकालना तो इस फार्मूले से निकलेगा लेंथ ऑफ चेन ड्राइव, जहां पर जेड वन और जेड टू होते हैं और नंबर ऑफ टीथ है स्मॉल और बिग स्प्रॉकेट के। स्प्रॉकेट में जो स्मॉल और बिग टीथ होते हैं वो है जेड वन और जेड टू, और ए है सेंटर डिस्टेंस और पी है चेन का पिच। उसमें आपको बताना है लेंथ ऑफ चेन कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ चेन का ये फार्मूला हो जाता है ए वाला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी वेरिएशन इन चेन स्पीड इज ड्यू टू, चेन स्पीड का वेरिएशन क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ये चौडल एक्शन, दी वेरिएशन इन चेन स्पीड इज ड्यू टू चौडल एक्शन, चौडल एक्शन पर वेरिएशन होता है। अगला क्वेश्चन है, इन सम एप्लीकेशन चेन ड्राइव्स आर प्रेफर्ड टू बेल्ट ड्राइव बिकॉज ऑफ, कुछ एप्लीकेशन में अगर हम देखते हैं कि बेल्ट ड्राइव की जगह पर चेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन होता है इसमें, पॉजिटिव ट्रांसमिशन होता है, ये दोनों कंडीशन के कारण इसको हम बेल्ट ड्राइव की जगह पर चेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, इन सम एप्लीकेशंस चेन ड्राइव आर प्रेफर्ड टू बेल्ट ड्राइव बिकॉज ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ये है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन, दूसरा है पॉजिटिव ट्रांसमिशन, इसमें दोनों कंडीशन होता है, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट ट्रांसमिशन होता है और पॉजिटिव ट्रांसमिशन होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टीथ ऑन स्प्रॉकेट शुड बी ओड इन ऑर्डर टू, स्प्रॉकेट का नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं ओड ऑर्डर पर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ये डी आंसर इसका करेक्ट होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वियर ऑन ऑल स्प्रॉकेट टीथ, सभी स्प्रॉकेट टीथ जो होते हैं वो पेयर डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं इवनली। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टीथ ऑन स्प्रॉकेट शुड बी ओड इन ऑर्डर, ओड ऑर्डर पर क्यों होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पेयर ऑन ऑल स्प्रॉकेट टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट चेन इज मेड ऑफ, साइलेंट चेन किसकी बनाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा इनवर्टेड टूथ ओवरलैपिंग लिंक्स, साइलेंट चेन जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है इन्वर्टेड टीथ टूथ ओवरलैपिंग लिंक्स, साइलेंट चेन इज मेड ऑफ इन्वर्टेड टूथ ओवरलैपिंग लिंक्स बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन टाइप्स ऑफ फेलियर इन रोलर चेन, रोलर चेन का इन्वर्ट मेन फेलियर कौन से प्रकार का होता है। इसका आंसर ऑल ऑफ दी, ऊपर जितने दिए हैं सभी, एक सबसे पहला है ब्रेकेज ऑफ लिंक प्लेट्स, लिंक प्लेट है ब्रेकेज होती है, वियर एंड रोलर्स एंड पिन्स, जब रोलर या पिन वियर हो तब हमारे पास उसको उसकी जगह पर हम फेलियर होता है, वियर एंड स्प्रोकेट व्हील पर भी हमारे पास रोलर चेन का फेलियर होता है। तो आपको इसमें बताना है मेन टाइप्स ऑफ फेलियर इन रोलर चेन, रोलर चेन का मेन मुख्य फेलियर क्या होता है। इसका आंसर एक ये है ब्रेकेज ऑफ लिंक प्लेट्स, दूसरा है वियर ऑफ रोलर्स एंड पिन्स, तीसरा है वियर ऑफ स्प्रोकेट व्हील, तीनों के तीन इसके करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन पिच सर्कल डायमीटर ऑफ स्प्रॉकेट डी
पिच ऑफ द चेन पी एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन स्प्रॉकेट जेड इज गिवन बाय। आपको पिच, आपको इसका रिलेशन बताना है। रिलेशन आपको क्या बताना है, रिलेशन आपको ये बताना है, इसमें आपको बताना है कि अगर चेन है, चेन का पिच सर्कल डायमीटर जो दिया जाए वो डी हो, पिच सर्कल डायमीटर डी हो, पिच आपको चेन का पी दिया जाए और नंबर ऑफ टीथ स्प्रॉकेट का जेड, इसका रिलेशन क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका हो जाएगा पिच निकालने का पी इक्वल टू डी इंटू साइन 180 अपॉन जेड। ये इसका रिलेशन है। आपको ये रिलेशन से बताना है कि अगर आपको इसमें दिया हो चेन का स्प्रॉकेट का स्प्रॉकेट ऑफ चेन का चेन की जो स्प्रॉकेट होता है उसका अगर पिच डायमीटर डी हो दिया हो और पिच दिया हो पी और नंबर ऑफ टी दिए हो स्प्रॉकेट के जेड, तो इसका बीच में रिलेशन क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ये पी इक्वल टू डी इंटू साइन 180 अपॉन जेड। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ चेन ड्राइव टू हैव वेरिएशन ऑफ स्पीड लेस देन 1% द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन स्मॉलर स्प्रॉकेट शुड बी। चेन ड्राइव के लिए अगर मिनिमम स्पीड के लिए, कम से कम स्पीड 1% के लिए अगर हमको वेरिएशन देखना हो तो उसके लिए नंबर ऑफ टीथ सबसे छोटे स्प्रॉकेट के लिए कितने हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 24। करेक्ट आंसर इसका 24। चेन ड्राइव के लिए अगर हमको स्पीड लेस देन 1% से कम अगर स्पीड लेस देन अगर वेरिएशन हो तो उसके लिए अगर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो सबसे छोटे स्प्रॉकेट के नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो 24 होते हैं। क्वेश्चन है, फॉर अ चेन ड्राइव टू हैव वेरिएशन ऑफ स्पीड लेस देन 1% द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन स्मॉलर स्प्रॉकेट शुड बी। इसका आंसर हो जाएगा 24। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव द चेन ड्राइव ट्रांसमिट्स। बेल्ट ड्राइव की तुलना में चेन ड्राइव पावर ट्रांसमिशन क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा मोर पावर। बेल्ट ड्राइव की तुलना में जो चेन ड्राइव का पावर ट्रांसमिशन होता है वो ज्यादा पावर करता क्रिएट करता है, इसलिए मोर पावर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू बेल ड्राइव चेन ड्राइव ट्रांसमिट्स मोर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग टाइप ऑफ चेन इज यूज्ड इन मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में कौन से टाइप की चेन का इस्तेमाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा रोलर। फॉलोइंग टाइप ऑफ चेन इज यूज्ड इन मोटरसाइकिल। इसका आंसर हो जाएगा रोलर। मोटरसाइकिल में रोलर चेन का इस्तेमाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा रोलर।